कहो दिल से कमलम फिर से भारत माता की। हाथ उठाए कि नहीं राइस, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी बीजेपी कमलम मोसा। हमारे एक छोटा सा तोहफा ले, थैंक यू सो मच। अपना लोगों ए 50 समस्तियों उन्नति प्रगति प्रति अपना लोगों गंभीर चिंता प्रकट करे। आमी ये आजेरा अनुष्ठान आरम्भनी करी जाम। मय ए हमय और ये यहाँ जो न्यू वोटर्स है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका पहला वोट होगा जो बीजेपी के लिए डालेगा वो उनको सारा उम्र याद रहेगा। जब हम छोटा था मेरा पहला वोट था तो हम यहाँ बीजेपी का सरकार हुआ करता था तो हमने बीजेपी में दिया। आज 20-25 साल का बाद भी बीजेपी का सरकार है, आज तक हम बीजेपी में, आपको ये कहानी बहुत याद रहेगा। आज के डेट में न नौकरी बिकता है न नौकरी खरीदा जा सकता है। आप ओपोजिशन दल की बातों में गुमराह मत हो जाइए, कोई आपको बैठे बैठे नौकरी भी नहीं दिला पाएगा। पिछले चुनाव में भी मैं एक गांव गया था, वहां मुझे लोग बोल रहे थे कि अरे भाई साहब आप तो फिर आ गए, अभी आप वादा करेंगे नौकरी दिलाएंगे ये करेंगे फिर आप गायब हो जाएंगे। मैं उस वक्त ही बोल दिया हमारा सरकार झूठी सरकार नहीं है। मैं उसको बोला देखिए मैं ना आपको नौकरी दिला सकता हूं, अगर आप काबिल है तो आप जरूर आपका कैंडिडेट नौकरी मिलेगा और पूरा समर्थन रहेगा संगठन का और सरकार का भी, क्योंकि हम सब यहीं के हैं। आज मैं ये पद पे हूं, कल ये पद पे कोई और रहेगा, पूर्व अध्यक्ष भी यहीं बैठे हैं, हम सबको यहीं रहना है। इसीलिए अपने भाई बहनों को झूठ बोल के उनको गुमराह करना, उनका कीमती मतदान को छीनना, उनका हक को छीनना, ये ओपोजिशन दल का कोई राइट नहीं होते है उनका, ये सरासर गलत है और आप सबको समझाना पड़ेगा। देखिए आज के डेट में सबके हाथों में मोबाइल है, सब अखबार पढ़ते हैं, सब न्यूज चैनल देखते हैं। आज का डेट में कोई किसी को उल्लू बनाने नहीं सकता है। हम लोग जो चकमा जो जाति है तो हम लोग यहाँ पर पैदा हुआ है, तो मेरा उम्र लगभग अभी 45 का ऊपर में हो रहा है। हम लोग तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो यहीं पर रहेंगे यहीं पर मरेंगे, इसलिए हमको भी जीने के लिए कुछ हम लोग को सुविधा चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग का डॉक्यूमेंट के बिना कहीं स्कूल में भी हम लोग का परेशानी होते हैं, कहीं कहीं मतलब ये जो हम लोग का उसमें प्रॉब्लम भी हो रहा है। इसलिए मैं चेंगपू और हमारे तंगसाओ के जो कम्युनिटी को मैं ये नमन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हम लोग को जो टॉक पब्लिक को आप लोग ऐसे भी हम लोग को आप लोग एक्सेप्ट किया है इस एरिया में, हम लोग को माँ पिताजी को हमारे नाना नानी को, तो इस बार भी हम लोग को आप लोग के साथ हम लोग जब तक जान है तब तक हम लोग का जो ये दिल है तब तक हम लोग का हम लोग आप लोग को नहीं छोड़ेंगे।
तो इसलिए मैं हम लोग का जो चकमा जो ये सम ये हम लोग का भाई बहन माँ बाप पिताजी है वो लोग को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बीजेपी को सपोर्ट करके डेवलपमेंट की ओर के चलने के लिए आप लोग भी कृपा 19 तारीख को अप्रैल में पुल कोटम पुल में बटन दबा करके हमारे मुसाम जी और पेमा खांडू जी मोदी जी को जिताएंगे और हाईएस्ट पार्टेस में जो हम लोग का 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में जिता कर फिर शक्ति दे करके हम लोग हमारे प्यारे नेता हमारे जो सुख दुख की समझने वाला नेता ऐसा नेता कहीं भी उत्पन्न नहीं होता है, एक बार होता है और उसको मिलने के लिए बहुत तरफ तरफ के मिलने ही है, दुनिया से भी नहीं मिलेंगे। मैं ये कहा कर मैं अगर कहीं सेंटीमेंट को पहुंचा हूं मेरे स्पीच में मैं सभी से मैं माफी चाहता हूं और धन्यवाद। 5 साल के बाद ये दिन आता है, इस दिन में हम सब मिलकर आज 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर ले जाना है। अगर किस उन्नति करना है प्रगति करना है तो हम सब मिलकर करना होगा, हम सब साथ हाथ से हाथ बांधकर कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा। ये कोई छोटा मोटा मीटिंग नहीं है, आज हमारा भविष्य हम सबके भाई की भविष्य हम सबके बच्चों की भविष्य हमारे पीछे जो आ रहे हैं उनके भविष्य के लिए हम लोगों को चैलेंजिंग टाइम है ये। मैं समझता हूँ और मानता हूँ कि इस तरह का जो आज यहाँ आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है, यहाँ 5-7 हजार लोग आकर इकट्ठा होकर इलेक्शन जिताने के लिए इलेक्शन में काम करने के लिए आप लोग आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सही को सही बोलिए तो तब भी हम लोग का उम्मीदवार भी सही काम करेगा, तो उसको भी मालूम है हाँ सही है, ये लोग सही है सही है, तो ही हम लोग शहरी के रास्ते पे चलने वाला हम लोग गोरखा लोग है रे। हम लोग का खुद में ईमानदार गद्दारी नहीं सरकार का साथ में चलने वाला है। हम लोग ने ये पहले से तय किया है कि मोशन सर को देंगे, चुनाव भी शुरू से मोशन सर का चुनाव है तो मोशन सर का साथ में रहेंगे। ইলেকশন দে মই কি মেনিফেস্টো বনাই পেলাই দিছো নেকি মই জিকিলে এইটো কৰিম এইটো কৰিম এইটো কৰিম এনেকুৱা নাই কৰা, কিন্তু জিকাৰ পাছত কোনটো কৰিব লাগে ৰাইজৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি আছে নিডছ যি আছে সেইটো মতেহে কৰিছোঁ। আজি যদি এইটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিতে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল মিডল স্কুল আমি যিটো কয় যদি গ্ৰাউণ্ড ক্লাছ 1 RCC 12 স্কুলতে বনিছে মাত্ৰ 2-4 স্কুলতহে বাকী আছে, হেলথ সেক্টরতে হোক বাকি ইনফ্রাস্ট্রাকচার হোক আমি করে গই আছো। এতিয়া আমি কেতিয়াবা ভাবিছিলি নেকি যে মিয়াওতে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার রিসোর্স এন্ড রুরাল ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট দুইটা চিফ ইঞ্জিনিয়ার অফিসটো মিয়াওতে আহিব, তো মই ভি ভাবা নাই আপনালোকে ভি ভাবা নাই আপনালোকে ডিমান্ড ভি করা নাই কেলে চিফ অফিসটো ইটানগরতে হয় কেনেকা মিয়াওতে আহিব। যদি ইলেকশন আগতে মই যদি এইটো কথা কোয়া হলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার অফিস মই মিয়াওতে লৈ আনিম ইটানগর পৰা, আপনালোকে 1% ভি বিশ্বাস নাই করব, ঝুট বলতা হয় চিফ অফিস কেসা মিয়াও মে আয়েগা ও তো ইটানগর মে হি হোগা, কিন্তু আজি তো দুইটা চিফ অফিস তো মিয়াওতে তো আহিছে, তো স্টেট স্পোর্টস একাডেমি এক পার উইট সঙ্গে লাডেন স্পোর্টস একাডেমি সঙ্গে লাডেন স্পোর্টস একাডেমি ইটানগরতে আছে, আমার ভি কোনোবা কোনোবা বাচ্চাবিলাক পঠায় না যেটো খেলা ধূলাতে ভাল আছে। এতিয়া স্পোর্টস একাডেমি তো আমার ইয়াতে হয়েছে 2018-19 ইলেকশন আগতে মহেশ চৌহান স্পোর্টস মিনিষ্টার আসলে তেখেতে তো নট 18-19 ফেব্রুয়ারিতে নাকি না জানুয়ারিতে মেয়াওতে ইনগ্রেশন করেছিল, এইটা এটা ভি চলি আছে পার্মানেন্ট সাইট নিউটনতে বনি আছে, সেইটা ভি আমি তো ভাবা নাই আসলে। স্পেশাল ইকোনমিক জোন
करोना चलते कोनो जगत नाय आसे एकटा हे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आसे हेतु बालिनो आईटीआई ते होइसे एतु आमी मय निजे भी चिंता करना आजि लयके मय ভালকে না জানো एक्जेक्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन ताते एक्टिविटीज काम काज केनका होबो तारपरा आमार एरियार डेवलपमेंट केनका होबो किंतु डेफिनेटली एरियार डेवलपमेंट होबो केले कले ताते कस्टम ड्यूटी फ्री जदि कस्टम ड्यूटी फ्री एक इकोनॉमिक जोन जदि बनायसे तेतियाले डांगर डांगर कंपनी बिलाके निजर वायर हाउस तो पक्का बनाबो तार माने आही ठोका दिनते इतु भी बहुत डांगर एकटा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिशमेंट होय तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आमार ईस्टर्न कैम्पास तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी तो सबे जाने दोईमुखते आसे आमार बच्चा बिला तो एमए पढ़ी एमएससी पढ़ी तो दोईमुखते ईटानगर नाहरलगुन ते तो जाए तार कैम्पास तो ईस्टर्न कैम्पास तो मेयाउते आहिबो कोनोबाय भाबिसे नेकि बा मय कइसु नेकि जेतिया अपॉर्चुनिटी आहे आमी हेतु लोबर कारणे विचारे।